कोरोना काल के चलते सबसे ज्यादा परेशानियों से मजदूर वर्ग जूझ रहा है। ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए महंगे मोबाइल और इंटरनेट के लिए हर महीने अलग से खर्च करना कई परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ऐसे गरीब परिवारों की परेशानियों को दूर करने का छिंदवाड़ा में कॉलेज की छात्रा अंकिता ने बीड़ा उठाया। बजरंग नगर की रहने वाली अंकिता बेले हर दिन बच्चों को इकट्ठा कर अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कराती है ताकि कोई बच्चा आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई से दूर ना रहे। अभी कोरोना का समय चल रहा है तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत जा रही है। अभी स्कूल भी बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो बच्चों के पास में मोबाइल नहीं थे। मम्मी पापा उनके काम पर जाते हैं तो सर ने मतलब प्रोत्साहित किए कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। सर की थोड़ी सी हेल्प भी हो जा रही है और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। बच्चे 9-10 बच्चे हैं। वीडियो में डेली अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस डलते हैं और उसमें वीडियो के जरिए बच्चों को पढ़ाना है और जो नहीं समझ में आता तो बच्चे वैसे ही पूछ लेते हैं। हाँ, बहुत खुशी होती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अभी स्कूल स्टार्ट हुए मतलब कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद से ही चल रही है ये पढ़ाई। बजरंग नगर में रहने वाले लोगों का कहना है कि मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। ऐसे समय में मोबाइल का जुगाड़ और फिर महीने भर के इंटरनेट के लिए पैसे खर्च करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, इसलिए बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। लेकिन बजरंग नगर में रहने वाली अंकिता ने इस मुश्किल घड़ी में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया जिसके चलते उनकी परेशानी खत्म हो गई। 2 बच्ची है तो स्कूल में नाम डाला हूँ, वो बरोबर पढ़ नहीं पा रही, मोबाइल नहीं है मेरे पास में, दिक्कत ये हो रही। तो मोहल्ले की एक लड़की है वो मोबाइल में दिखा के पढ़ाती है। छिंदवाड़ा जिले में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके बच्चे आज भी पढ़ाई से दूर है, और कई गांव भी ऐसे हैं जहां पर मोबाइल होने के बाद इंटरनेट नेटवर्क की समस्या है जिसके चलते बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। लेकिन बजरंग नगर में बच्चों को अपने काम छोड़कर पढ़ाने का काम करने वाली अंकिता बेले समाज में मिसाल पेश कर रही है। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।